आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बर्फीले तूफान से चरमराई केदारनाथ यात्रा, जगह जगह ग्लेशियर टूट कर गिरे, पैदल चलना हुआ मुश्किल, घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद केदारनाथ मार्ग के तमाम ग्लेशियर टूट कर गिरने लगे हैं। बीते दिन पैदल मार्ग पर भैरव और कुबेर गदेरे में ग्लेशियर खिसकने से रास्ते बंद हो गए। आज कड़ी मशक्कत के बाद इस जगह पर पैदल चलने लायक रास्ता बनाया गया। सुरक्षा बलों ने बर्फ को काट कर यहाँ सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार किया है, लेकिन इस पर चलना बेहद मुश्किल और खतरनाक हो गया है। गौरीकुंड से 5000 यात्री केदारनाथ को निकले, जिन्हें रास्ते में तैनात जवानों ने रास्ता पार कराकर सकुशल केदारनाथ तक पहुंचाया। जहां एक ओर बर्फीले रास्तों पर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, वहीं घोड़े खच्चरों की आवाजाही तो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो यात्री पैदल नहीं चल सकते और घोड़े खच्चरों की सवारी चाहते हैं, उनकी यात्रा फिलहाल बंद है। ऐसे सैकड़ों तीर्थयात्री गौरीकुंड और सोनप्रयाग में इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम सहित 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बर्फबारी के कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण यात्रा पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। बीते बुधवार को तो यात्रा पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। अभी भी 8 मई तक केदारनाथ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।